हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर, जो इस बार NAS ने खुद सिलेक्ट किया है। NAS ने दोस्तों मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, तो NAS ने जो मॉडल पेपर जारी किए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस मॉडल पेपर में आपके दोस्तों 30 क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन इस बार NAS जरूर एग्जाम में देगा। तो आप इन 30 क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और मैं इनका आपको आंसर भी बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में आपके 30 में से 30 नंबर लेकर आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं एक्स व वाई का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः ए तथा बी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले का आपका आंसर है दोस्तों स, एक्स वाई बराबर ए बी, ये इसका एकदम सतन कत्य सतन है दोस्तों। तो यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, यदि आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पर कराऊं, तो कमेंट में जरूर लिखे दोस्तों कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन मैं भी आपको बोर्ड पर करवा दूंगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो दूसरे का भाई एकदम करेक्ट आंसर है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, 3 घंटियां क्रमशः 9 मिनट 12 मिनट व 15 मिनट के बाद बजती है, यदि तीनों घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी? तो तीसरे का दोस्तों आपका आंसर है एकदम करेक्ट आंसर है, 3 घंटे बाद बजेगी। आगे चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो चौथे का आंसर है दोस्तों द, द एकदम करेक्ट आंसर है आपका, द एकदम करेक्ट आंसर है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। आगे पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि समीकरण 2x+3y=7 और 4x+6y=10 के कितने हल होंगे? तो हमारा पांचवे का आंसर है दोस्तों स, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। तो पांचवे का आंसर है स, कोई हल नहीं होगा। आगे छठा क्वेश्चन है आपका, दिए गए आलेख में दो रैखिक समीकरण दर्शाए गए हैं, इनका हल क्या होगा? तो हमारे पास दिए गए ये हमारे पास क्या दे रखा है भाई, रैखिक हल समीकरण दे रखा है और हमें पूछा है कि इनका हल क्या होगा। तो छठे का दोस्तों आपका आंसर है ब, ब एकदम करेक्ट आंसर है, 3 व 4, 3 व 4 इस ग्राफ में करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, तो सातवां क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण ax2+bx+c=0 के दोनों मूलों का योग वह गुणनफल क्रमशः होंगे, तो हमें बताना भाई कि मूलों का योग क्या होगा वह उनका गुणनफल क्या होगा। तो सातवें का दोस्तों आपका आंसर है ब, ब एकदम करेक्ट आंसर है, -b/a, ये क्या होगा भाई, मूलों का योग, और c/a क्या होगा, गुणनफल। आगे आठवां क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 व 3 है तो वह समीकरण क्या होगा? तो हमें उस समीकरण को बताना है कि वह समीकरण क्या होगा। तो आपके आठवें का दोस्तों ब एकदम करेक्ट आंसर है, x²-5x+6, ये इसका आंसर होगा। आगे नौवां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी हो तो उनका अनुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो अनुपद ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है अगला। तो नए का दोस्तों आपका आंसर है द, a+n-a×d, ये इसका करेक्ट सूत्र होगा यदि अनुपद पूछ रहा है तो। आगे दसवां क्वेश्चन है आपका, कि निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है? हमें बताना है कि समांतर श्रेणी कौन सी है। तो दसवें का आपका दोस्तों आंसर है स, -10, -8, -6, -2, क्योंकि इनमें 2 का सार अंतर है। आगे आपका 11 क्वेश्चन है, 0 से 50 के मध्य 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं होगी? तो 11 का आपका दोस्तों आंसर है ब, 16 संख्या 3 से विभाज्य होगी, ये भी समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है दोस्तों।
आगे 12 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है? तो हमें बताना है भाई कि त्रिभुज की समरूपता की कसौटी शर्त कौन सी नहीं है। तो 12 का आपका ए एकदम करेक्ट आंसर है, कोण भुजा भुजा ये समरूपता की कसौटी कभी भी नहीं होती है। आगे 13 क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एसटी समांतर है क्यूआर के। पीएस आपको दे रखा है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, एसक्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पीटी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो टीआर, इस टीआर की आपको गणना करनी है, इसे अक्ष मान लेते हैं और भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो हमारे पास 13 का आंसर आएगा दोस्तों स एकदम करेक्ट आंसर है, 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 14 क्वेश्चन आपका, बिंदु ए, ए बिंदु दे रखा है 8 कोमा तथा बी बिंदु दे रखा है 2 कोमा -4 के बीच की दूरी आपको दे दी दोस्तों 10 इकाई, तो अक्ष का कितना मान होगा? अक्ष का मान अगला पूछ रहा है, तो 14 का दोस्तों आंसर है स 4 होगा। अक्ष का मान कितना होगा भाई? अक्ष का मान 4 होगा। आगे 15 क्वेश्चन है, स्टेशन पी व स्टेशन क्यू के निर्देशांक 7.4 तथा -5.-1 है, तो दोनों स्टेशनों के मध्य सीधी दूरी कितनी होगी? हमें इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो आपके 15 का आंसर है दोस्तों ए, इनकी दूरी कितनी होगी? 13 इकाई इनकी दूरी होगी। आगे 16 क्वेश्चन है, दिए गए समकोण त्रिभुज में थीटा न्यून कोण है दोस्तों। आगे तो कोट थीटा का मान कितना होगा? कोट थीटा की वैल्यू पूछी है, तो कोट थीटा क्या होता है दोस्तों? आपका आधार बट्टा लंब होता है, तो आधार के इसमें क्यू आर और लंब के है दोस्तों पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी क्यू आर बट्टा पी क्यू किस में दिखाई दे रहा है आपको? स में, तो 16 का स एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 17 क्वेश्चन है, साइन स्क्वेयर 35 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 35 डिग्री का मान कितना होता है? तो 17 का दोस्तों आंसर है आपका द एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है भाई साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1 होती है, तो द एकदम करेक्ट आंसर है। आगे अगला आपका 18 क्वेश्चन है, एक सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूरी पर स्थित है तथा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की लंबाई, हमें इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें लंबाई पूछे दोस्तों। तो 18 का आपका आंसर है ब, 10 मीटर लंबी होगी, ये कितनी होगी दोस्तों? 10 मीटर लंबी होगी। आगे 19 क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 19 का आंसर है दोस्तों आपका ए, किसी बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे 20 क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में वृत्त पर बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं एपी व एक्यू खींची गई है। आगे ओ वृत्त का केंद्र है दोस्तों, तो कोण पीओक्यू कितना दे रखा है आपको? ये कोण आपको 110 डिग्री दे रखा है, तो कोण पीएक्यू की वैल्यू ज्ञात कीजिए, पीएक्यू यानी इस कोण की वैल्यू पूछिए, ये आपका 110 है और ये कोण कितना होगा भाई दोस्तों? 90 डिग्री, और ये कोण 90 डिग्री, तो आप इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये फॉर्मूला लगाकर आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो 20 का आपका आंसर है दोस्तों द, 70 डिग्री का कोण होगा, ये कितना होगा दोस्तों? 70 डिग्री का होगा। आगे 21 क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की रचना संभव है यदि आपके पास 4 कंडीशन है और आपको सही आंसर उसका बताना है। तो 21 का आंसर है दोस्तों ब, उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए दोस्तों? अधिक होना चाहिए, तभी उस त्रिभुज की रचना संभव है, नहीं तो नहीं है। आगे 22 क्वेश्चन है, एक अर्ध गोलाकार प्याले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस प्याले का आयतन कितना होगा? तो अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए दोस्तों, तो आप आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो 22 का आंसर है आपका दोस्तों ए एकदम करेक्ट आंसर है, 2156/3, तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 23 क्वेश्चन है, हाथ धोने के एक साबुन की टिकिया का माप 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है दोस्तों। यदि इस साबुन को लंबाई के सारे दो बराबर भागों में काटा जाए तो प्राप्त साबुन के टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 23वें का आंसर आपका स सह एकदम करेक्ट आंसर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा। आगे 24वां क्वेश्चन है, माध्य माध्यक बहुलक में सही संबंध कौन सा है। तो आपको माध्य माध्यक बहुलक में सही संबंध बताना है। तो 24वां का आंसर है दोस्तों स बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 माध्य, ये इसका एकदम सही आंसर है दोस्तों। आगे 25वां क्वेश्चन आपका कि स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक सप्ताह में प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है। तो नीचे छात्रों की संख्या दे रखी है दोस्तों और उसका माध्य पूछा है, क्या ज्ञात करना है, उसका माध्य ज्ञात करना है। तो 25वां का आपका दोस्तों आंसर है द, इसका माध्य कितना होगा भाई, 49 इसका माध्य होगा। 26वां क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो 26वां का आंसर आपका ब, ब एकदम करेक्ट आंसर होगा, 26 इसका माध्य होगा। आगे 27वां क्वेश्चन है, यदि घटना के घटित होने की प्रायिकता का कौन सा मान संभव है। तो हमें बताना है भाई -1 कभी भी नहीं हो सकता, 0.6 और 5.3 भी कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि 1 से बड़ा है, 2 भी कभी भी नहीं हो सकता। तो 0.6 इसकी करेक्ट वैल्यू है। आगे 28वां क्वेश्चन है, एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालने पर एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 28वां का आंसर है दोस्तों द, बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/13 होगी, क्योंकि 4 बादशाह होते हैं और 52 कुल पत्ते होते हैं। यदि हम 4 के पाड़े से काटे तो आंसर क्या आएगा, 1/13 आएगा। आगे 29वां क्वेश्चन है, किसी पाशे को उछालने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 29वां का आंसर है दोस्तों ब, ब एकदम करेक्ट आंसर होगा, 0.5। आगे 30वां क्वेश्चन है, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 30वां का आंसर होगा दोस्तों स, 3:1, स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपके 30 क्वेश्चन थे जो इस बार अन्यस ने सिलेक्ट किए हैं, अन्यस ने खुद सिलेक्ट किए दोस्तों इन क्वेश्चनों को। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार आप इन 30 क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे और अपने मेन एग्जाम में इनमें से दोस्तों कम से कम 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, कम से कम बोल रहा हूँ, अधिक से अधिक 30 के 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो और लाइक के बिना वीडियो को ना जाना दोस्तों।